पाउंड मिट्टी पर गांव की तरफ से बलबीर सिंह जी, साथ में विकास प्रधान जी, काला चेयरमैन जी, जोरदार तालियां बजा के स्वागत किया जा रहा है सीएम साहब का। और मांगे राम जी जो हमारे जिला परिषद के भावी उम्मीदवार हैं, सी समाज की तरफ से सम्मानित पगड़ी बांध करके हुडा साहब का स्वागत करेंगे। मेरे लिए आदरणीय मेरे दादाजी श्री आनंद सिंह दांगी जी 1100 रुपए से अपने बच्चे को आशीर्वाद देते हैं। ये पौधा इन्होंने लगा रखा है। हाँ जी, संत कुमार जी एक एमएलए को पंडित सुरजा जी की तरफ से सम्मानित पगड़ी बांध करके सम्मान करें। भाई अशोक दलाल जी, हमारे डॉक्टर कपूर सिंह जी नरवाल जी, आनंद सिंह दांगी पूर्व मंत्री, यू लास्ट में लिख दिया नाम, आनंद सिंह दांगी पूर्व मंत्री को सुंदर दलाल जी एक सम्मानित पगड़ी बांध करके सम्मान करेंगे। श्री अशोक दलाल जी को काला चेयरमैन जी, हमारे पूर्व विधायक राज सिंह दलाल जी के सपुत्र अशोक दलाल जी को काला चेयरमैन जी एक सम्मान पगड़ी बांध करके सम्मान करेंगे। ये भाई अशोक दलाल जी 2100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है। डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल जी को भी डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल जी को काला चेयरमैन जी और विकास प्रधान जी, काला चेयरमैन जी सम्मानित पगड़ी बांध करके उनका सम्मान करेंगे। डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल जी का भी, कुलदीप नंबरदार जी को, राजवीर सपुत्र होशारा सरपंच के सपुत्र हैं ये, डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल जी को भी हमारे काला चेयरमैन जी अशोक दलाल जी, काला चेयरमैन जी सम्मानित पगड़ी बांध करके सम्मान करेंगे। डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल जी का, हमारे गवाना के प्रमुख समाज सेवी डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल जी, कुलदीप नंबरदार जी को, होशारा सरपंच के सपुत्र है राजवीर जी, उनसे निवेदन करूंगा वो कुलदीप नंबरदार जी को एक सम्मानित पगड़ी बांध करके उनका सम्मान करेंगे। भाई जोरदार तालियां बजाएं ऐसी महान शख्सियतों के लिए। और मेमेंटो हमारे शहीद रामकिशन ट्रस्ट और युवा क्रांति क्लब चड़ी की तरफ से विकास दलाल प्रधान जी, हमारे उनके साथ ही पूरी टीम एक समर्थी चिन्ह एक मेमेंटो देकर के सम्मान करेंगे। हरियाणा प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, शहीद रामकिशन ट्रस्ट युवा क्रांति क्लब चड़ी की तरफ से विकास प्रधान जी, उनकी पूरी टीम एक समर्थी चिन्ह देकर के भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का स्वागत कर रहे हैं। भाई जोरदार तालियां बजाइए। और हमें निवेदन करेंगे सीपीएस के लीडर, हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के लीडर, प्रदेश के पूर्व और भावी मुख्यमंत्री माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से एक डिमांड है लाइब्रेरी हाल की, जिस शहीद हवलदार रामकिशन जी की आपने प्रतिमा का अनावरण किया है, आप मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे मध्य आए हैं सीएम साहब, आप निवेदन करते हैं सीएम साहब जी से एक लाइब्रेरी की डिमांड है हाल के अंदर, हम उम्मीद करते हैं उसकी आप स्वीकृति जरूर प्रदान करेंगे। जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें हुड्डा साहब का। अब मैं निवेदन करूंगा अब मैं, क्योंकि शेड्यूल बिजी है, हुड्डा साहब के कई सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे कि नए वर्ष है आज के दिन, अब निवेदन करूंगा हरियाणा प्रदेश के ऐसी महान शख्सियत जिसको हिंदुस्तान की राजनीति में जहां जवाहरलाल नेहरू को चाचा के नाम से जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोह पुरुष के नाम से जाना जाता है, भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब के नाम से जाना जाता है, लाला राजपत राय जी को लोक नायक के नाम से जाना जाता है,
चौधरी देवीलाल को ताऊ के नाम से जाना जाता है, दीन बंधु छोटू राम को रहबर आजम के नाम से जाना जाता है, वहीं हरियाणा प्रदेश की राजनीति में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, बब्बर शेर को विकास पुरुष की राजनीति में जाना जाता है। जोरदार तालियां बजाइए ऐसी शख्सियत के लिए जिन्होंने पूरे प्रदेश का चहुमुखी विकास किया है। माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से आग्रह करेंगे कि वहां और इलाके के लोगों को नए वर्ष की शुभकामना दे। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जोरदार ताली बजा के स्वागत करे इस शख्सियत का। संत कुमार जी एक्स एमएलए अपनी बात रखेंगे पहले। भाइयों, प्यारे बच्चों, आज बड़ी खुशी है। चिड़ी गांव में मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ आया हूं जिन्होंने, जो मेरी उम्र के लोग हैं उनको पूरा पता है, और जो 15-17 साल पहले जिन लोगों ने किसी काम के सिलसिले में राजनीतिक व्यक्ति की मदद की जरूरत पड़ी, उन सबको पता है। और प्रत्येक रोहतक, झज्जर, सोनीपत, जींद, ये सारा इलाका इन लोगों ने जिस तरीके से चौधरी साहब आपके मुख्यमंत्री बनने से पहले हमने जिस नेताओं के सामने जलील होना पड़ा था उससे पीछा छुटाने का काम आपने किया। भाई, मैं आज से 40 साल पहले एमएलए था। मैं अपनी बात केवल 3-4 मिनट में खत्म करूंगा। उस समय जब सेक्रेटेरिएट के अंदर जाते थे हमें, तो सेक्रेटेरिएट के अंदर पगड़ी वाला, धोती वाला दिखाई नहीं देता था। वहां दिखाई देता था जो भोथा बांधते हैं, जिसको तैवंद कहते हैं, क्योंकि उसी इलाके की चौधर रही लगातार। और हमारा आदमी कोई वहां जाता था तो उसकी सुनाई नहीं होती थी। हमारे मन में कसक थी कि क्या कोई ऐसा भी टाइम आएगा जब हमारा आदमी इस कुर्सी पर बैठेगा। दोस्तों, केवल कुर्सी पर नहीं बैठा, जिस प्रकार इस दांगी साहब ने, प्रचारक ने एक बात कही थी अपने भजन में पहले कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, इस चिड़ी गांव की धरती ने, इस रोहतक जिले की धरती ने एक हीरे को जन्म दिया चौधरी भूपेंद्र सिंह नाम का। और उन्होंने सेक्रेटेरिएट में बैठ करके जिस तरीके से, जहां तमाम हरियाणा के गरीबों की जो पसीना बहा करके खेती में मजदूर के रूप में, किसान के रूप में जो काम करते हैं उनकी मदद करने का काम किया, वहीं पर इस इलाके का जितना पिछड़ापन था, इस इलाके की जो खोई हुई इज्जत थी उसको बढ़ाने का काम भी चौधरी साहब ने किया। इसलिए ये हमारा हीरा है। भाई, भूलना मत, एक बात बताता हूं, लीडर कोई 2-4 दिन में नहीं बनते, लीडर बनने में सालों सालों लगते हैं। आपकी पगड़ी को जिस आदमी ने सारे हिंदुस्तान में ऊंचा किया है, और फिर समय आ गया है कि आप अपनी पगड़ी को और ऊंचा उठाने के लिए चौधरी साहब के हाथ मजबूत करने का समय आया है, और मुझे लगता है आप चुकोगे नहीं। एक इन्होंने भजन में एक नाम लिया, कई नाम लिए बड़े नेताओं के, एक नाम लिया बच्चू सिंह जी का। बच्चू सिंह मेंबर पार्लियामेंट होते थे, इन्होंने पार्लियामेंट का जिक्र किया। महाराजा भरतपुर के वंशज थे, उनके भाई थे राजा विजेंद्र सिंह। मुझे वो बात याद आई जब इन्होंने कहा, जिस दिन मुख्यमंत्री बना गहलोत राजस्थान का, तो विजेंद्र सिंह, राजा विजेंद्र सिंह का लड़का एमएलए बना भरतपुर से, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गहलोत को बुलाया और ये कहा विजेंद्र सिंह के लड़के को कैबिनेट का मंत्री बनाना, उसी दिन ओथ दिलवाई। इतना बड़ा आदमी है ये। भाइयों, ये छोटी बात नहीं है। आपने हमारे साथ तब वो हो रही है, घर का जोगी जोगनार, बार का जोगी सिद्ध। हमने ये पता नहीं है कितना बड़ा आदमी है।
चौधरी चरण सिंह के बाद में अगर कोई रखवाला थारा आया है, चौधरी छोटू राम के बाद में चौधरी चरण सिंह आए और उसके बाद में कोई रखवाला आया है जो चौधरी छोटू राम अंबेडकर जी और चौधरी चरण सिंह इनकी नीतियों को लेकर के मेहनत कश लोगों को, खास तौर से इस इलाके के लोगों को ऊपर उठाने का जिसने काम किया है, हमारी इज्जत बढ़ाने का काम किया है, परमात्मा उसको लंबी उम्र दे। और आज बड़ा खुशी का दिन है कि नए साल के बीच में चिड़ी गांव में हमारे बीच में आए, हम सब आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं चौधरी साहब, बहुत धन्यवाद। भाई दांगी साहब के बारे में एक बात और कहनी थी मुझे, मैं वकील हूं, मुझे वो दिन याद है जिस समय आपके पड़ोस में गोलियां चली, किसने चलाई, किसके आदमी मरे, ये सब आप जानते हो और किन पर झूठा इल्जाम लगा। उस समय दांगी साहब को मारने के लिए, घेरने के लिए, पकड़ने के लिए पूरी कोशिश की गई, लेकिन आपका शेर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मैं गया और वहां से ट्रैक्टर चला करके खुद आनंद सिंह दागी को ट्रैक्टर में बैठा करके रोहतक सेशन कोर्ट में लाया, पुलिस के हाथ रिंग लगनी दिया। इतना बड़ा आदमी है ये, इसलिए भाई दांगी साहब भी आए हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद संत कुमार जी। अब आपको इंतजार की घड़ियां समाप्ति की ओर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। विधायक जी ने चर्चा की माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर, भाई मैं उससे पहले हुड्डा साहब बोले मान सिंह दांगी जी से निवेदन करूंगा, जिन्होंने भी इस इलाके का बहुत ज्यादा भला किया है, जब ये चेयरमैन रहे बहुत सारे बच्चों को रोजगार देने का काम किया है। माननीय पूर्व मंत्री आनंद सिंह दांगी जी से भी निवेदन करूंगा, वो भी दो मिनट अपने विचार के जोरदार तालियां बजाइए, पूर्व मंत्री आनंद सिंह दांगी जी। आज हमारे बीच में जो आपके अपने हैं, हम सब के अपने हैं, जिनके नाम से जिस प्रकार चौधरी संत कुमार जी ने अपनी बातें रखी हैं, उस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि जो शख्सियत, जो आपका भाई, जो आपका अपना बेटा आज हिंदुस्तान की राजनीति में अगर कोई मास लीडर है, जिसके कहने से घंटों में नहीं मिनटों में हजारों लोग इकट्ठे होकर के अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, और सच्चे मायने में वही नेता होते हैं, वो नेता हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो आज हमारे बीच में हैं। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है, हर साल ये दिन आता है, और पिछले साल भी मैं हुड्डा साहब के साथ आपके बीच में इस पावन दिवस पर आया था, और आज जिस बात का आते ही, जिस मूर्ति का, जिस वीर का, जिस होनहार हमारे भाई का अनावरण किया है, हम सब के लिए गौरव की बात है, फकर की बात है, और ये हमारा धर्म और कर्तव्य बनता है कि हम उन लोगों को, उन भाइयों को, उन वीरों को हमेशा मान सम्मान के साथ याद करें, जो कौम और धर्म और देश के लिए कुर्बानी दे करके, अपने प्राण न्योछावर करके हम सब का नाम रोशन और हमारा माथा ऊंचा होता है, उस भाई का अनावरण किया। मैं इतना ही कह सकता हूं, बहुत नेता देखे हैं, बड़ा डट करके साथ दिया है, किसी चीज की परवाह नहीं मानी, सर फूटे, हाड़ टूटे, जान जाए, कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन ऐसे लोगों का साथ हमने दिया जिनको हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुंचा दिया। लेकिन जब कुछ करने की बात आई तो सब कुछ जीरो निकला।
हमें फकर है इस बात का। आप लोगों ने सर छोटी राम की बात मानी, अपने को पहचाना, अपने भाई को सिराखों पर उठाया, एक बहुत लंबे संघर्ष में साथ दिया और उस साथ के बाद हरियाणा प्रदेश की बागडोर हमारे आदरणीय भाई कहें, नेता कहें, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में आपने दी। जो 10 साल का राज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस प्रदेश को दिया, मैं समझता हूं कि वो एक स्वर्णिम अवसर था, मौका था, जिसमें इस हरियाणा प्रदेश को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक नया स्वरूप दिया, नया स्वरूप दिया। लोग आते थे, ठगी करते थे, नोट भी आपके, रोड की रोड भी आपके, वोट की भी आपके, और जब काम होते तो जूत भी थारे। लेकिन जिस भाई ने इस हरियाणा प्रदेश को चार चांद लगा दिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर कोई 10 घरों का गांव भी है, ढाणी भी है, तो उसमें भी आप जाओगे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कोई ना कोई किया हुआ काम मिलेगा। यही सच्ची सेवा होती है और सच्चे सेवक के रूप में हमने नहीं देखा कोई एमएलए भी इस तरह से मिलता हो जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा देश का मुख्यमंत्री होते हुए जिस प्रकार से लोगों के बीच में खड़ा होकर के गुत्थम गुत्था होकर के भाई को भाई से मिलकर के छोटे बड़े का मान सम्मान करते हुए जब भी अपना कार्य शुरू करते तो अपने लोगों से मिलजुल करके आगे बढ़ने का हमेशा काम किया। और जो मिलन है वो एक राजा का, एक मुख्यमंत्री का और जनता का नहीं, हमेशा छोटा भाई मान करके, अपनी जिम्मेवारी मान करके, एक सेवक के रूप में लोगों से मिले, ऐसा मिलन, ऐसी नेतागिरी हमने सारी जिंदगी में नहीं देखी जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक भाई के रूप में बन करके, एक सच्चे सेवक के रूप में इस हरियाणा प्रदेश की सेवा करी। तो मैं आज ज्यादा लंबी बात ना करते हुए यही कहना चाहता हूं, आपके भाई हैं, हम भी आपके साथ हैं। सीमजोड़ का इलाका है, हल्का है, सारे रिश्ते नाते, भाईचारे, सब कुछ एक है। अगर हम मिलजुल करके चलेंगे, एक साथ जुड़ करके चलेंगे, तो आने वाला समय भी जो पीछे 10 साल का गया वो फिर दोबारा शुरू होने में कोई देर नहीं लगेगी। आज प्रदेश के क्या हाल है, प्रदेश छोड़ो देश के क्या हाल है, इस देश को आज बर्बाद करके रख रखा है। सबसे बड़ी चीज क्या होती है, काम सारे नहीं होते, कोई भी नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात होती है समाज में भाईचारे की, आपस के प्यार प्रेम की, सुख शांति की, अमन चैन की, भाई से भाई को जोड़ करके चलने की। लेकिन आज की सरकार ने, चाहे ऊपर है चाहे नीचे है, एक तो ऊपर जो सबसे बड़ा पद पर जो आदमी बैठा उससे झोंका आज तक नहीं देखा। रोजाना जब भी स्पीकर पर माइक पर आता है, चाहे किसी मीटिंग में आता है, चाहे जलसे में आता है, इतनी झूठ बोलता है जिसका कोई अंदाजा नहीं। पता नहीं कब की बात कब जोड़ करके खड़ा कर देता है और लोग उसके साथ जुड़ करके बात करते हैं। फिर जात बिरादरी की बात है, धर्म की बात है, आज समाज करके बांट करके रख दिया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में, कांग्रेस पार्टी के राज में कभी जात बिरादरी की बात नहीं हुई, कभी भाई को भाई से लड़ाने की बात नहीं हुई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 36 बिरादरी के लिए जहां भी जिस प्रकार की भी कोई बात आ गई, सामाजिक काम के लिए, सामूहिक काम के लिए, सड़कों के बनाने के लिए, संस्थाएं बनाने के लिए, धर्मशाला चौपाट बनाने के लिए, हमारे बच्चों को रोजगार देने के लिए, मेरे ख्याल से तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पहले कोई पूछने वाला नहीं था। और आज हर गांव में मेरे ख्याल से तो सैकड़ों सैकड़ों नौजवान हमारे सुबह टिफिन उठा करके चलते हैं, बसों में बैठ करके चलते हैं और महीने में हजारों रुपए कमा करके अपने परिवार को चलाते हैं। 3 साल होने को जा रहे हैं इस सरकार को, बने 7 साल हो गए, कितने बच्चों को रोजगार मिला,
कितने और काम दूसरे विकास के हुए। आज जो पिछला सीजन अब गया है बारिश का, इसमें इतना सत्यानाश हो गया किसान का, खेतों में पानी आज तक खड़ा है। पिछली फसल गई, अगली की उम्मीद खत्म होगी। क्या 10 साल तक जब आपके भाई के हाथ में जो चाबी थी, क्या कभी एक खूड बोए बगैर रहा था किसान का? क्या आज इस प्रकार से धक्के खाते फिरते रहे हमारे लोग? मोटर दे दो, बिजली का कनेक्शन दे दो, पानी का डांगे, इंजन दे, फिर भी कोई साधन नहीं जो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ा करती। जब भी कोई दिक्कत आती थी, समस्या आती थी, आपके भाई आप में घूमते थे, मिलते थे, जुलते थे, आप जाते थे, अपनी बात कहते थे और उस बात का हर तरह से समाधान हो करके उसका निदान होता था। आज कुछ नहीं रहा भाई, इसलिए यही बात है। आज साल की शुरुआत है, बढ़िया दिन है, हम एकजुट होकर के अपनी आवाज में ताकत पैदा करके, अपने को अपना करके, अपने को साथ दे करके। देखो मैंने थोड़ा सा महसूस हुई बात, पीछे जो इस नौजवान ने गाना गाया और आखिर में एक नौजवान का नाम लिया, भाई दीपेंद्र का। दीपेंद्र जैसा नौजवान, दीपेंद्र जैसा साथी, दीपेंद्र जैसा भाई, क्या आपको अपने घर में भी मिलता है? घर का जो सगा भाई है वो भी किबन किबन दुत्कार देता होगा, धमका देता होगा, लेकिन यो नौजवान चाहे उसकी पद्धी बैठ लो, चाहे उसने कुर्ता पकड़ के खींच लो, चाहे जिस तरह से भी उसका वो करो, वो कभी तरसाए में नहीं आता और अपने हर तरह से मान सम्मान के साथ आप लोगों की बात करता है। और पीछे हमने उसको भी हरा दिया, गजब की बात है यार। जिस आदमी की जान ना पहचान ना लेना ना देना ना, वो आकर के यहां से एमपी बनकर गया, और दीपेंद्र जैसे नौजवान भाई को जिसने सब कुछ लगा दिया इस इलाके के लिए, मैं कह सकता हूं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी ज्यादा दीपेंद्र ने इस इलाके की सेवा करने का काम किया है। लेकिन हम जब वक्त आता है, कहीं जात बरादरी की बात आ जाती है, कहीं धर्म की बात आ जाती है, कहीं छोटे बड़े की बात आ जाती है, और अपने आप को भूल जाते हैं, और उसके बाद सालों साल तक हमें पछताना पड़ता है। ऐसी भूल मत करा करो, एकजुट होकर साथ दिया करो। और मैं तो ये कहता हूं कि हमारे इलाके को तो 100% एकजुट होकर के अपने भाइयों के साथ जुड़ करके चलने की जरूरत है, और फिर देखो मजा, तुम घर बैठो और फिर उस चाबी का तमाशा देखो। आज कहीं कोई पूछने वाला नहीं है, तो ज्यादा बात मैं और आगे ना बढ़ाते हुए ये कहना चाहता हूँ, आज का दिवस जो है, आज से नया साल शुरू 2022, इसमें हम संकल्प लेकर के चले, हम भाई हैं, 36 बरादरी हम एकजुट हैं। लोग बहकाते हैं, राजनीति का नाम ही बहकाना है, कहीं कोई जात बरादरी की बात करता है, कैंडिडेट आ गया, कहीं बैकवर्ड कैंडिडेट आ गया, कहीं जाट आ गया, कहीं कोई आ गया, और उसमें हम सारी बातों को भूल करके दूसरी लाइन पर चल पड़ते हैं, और जिसका खामियाजा बहुत लंबा भुगतना पड़ता है, बहुत बड़े नुकसान होते हैं उन चीजों के। सबसे बड़ी समस्या आज हमारी बेरोजगारी की है। आपका राज था जब हर महीने में 4 लिस्ट लिखी तो डूंडे उठा करते, आज कोई पूछने वाला ही नहीं। क्यों उठते थे डूंडे? क्योंकि आपके भाई के हाथ में चाबी थी करने की, पानी की बात थी। आज आला नुएना बेरा में कद पानी छोड़ना है, कद बंद करना है, कौन सा सीजन में चलानी, कौन सा हम नहीं चलानी, नहर के सिस्टम का नहीं बेरा। आपका राज था, सांझ ने कहा दे भाई तड़के पानी की जरूरत है, तड़के नहर में पानी आना चाहिए, उठ के नहर पे गए तो डूंडा उठता पाया करता था। आज कोई टाइम नहीं, हफ्ता कोई पूरा नहीं होता, 3 दिन आवे 4 दिन बंद, 2 दिन आवे 5 दिन बंद, 4 दिन आवे 3 दिन बंद, कितने कहने की बात नहीं, कितने सुनने की बात नहीं। सबसे बड़ी बात भाई देखो, किसान के लिए तो पानी सबसे अहम चीज है। वो चाबी आपके पास थी उस हेड की,
चाबी आप लोगों के पास थी, भूपेंद्र हुड्डा के पास भी नहीं। भूपेंद्र हुड्डा ने आप लोगों के हाथ में दे रखा था, अपनी मर्जी से चलाओ, अपनी मर्जी से बंद करो, अपनी मर्जी से कितना है काटो, ये अपने अपने की बात होती। और इसकी चाबी सारी है राजशक्ति भाई, और वो राजशक्ति आपके हाथ में। भूपेंद्र हुड्डा तो एक है, दीपेंद्र तो एक है, आनंद सिंह दांगी तो एक है, आपका साथ है, आपका प्यार है, आपका सहयोग है, तो हमारी ताकत है ना, तो हंडी जाओ भर दो रखे। वो ताकत एकजुट होकर के मुट्ठी बंद करके एक करने की जरूरत है भाई। कोई भाई बहक रहा है उसको समझा करके जोड़ने की जरूरत है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज नया साल शुरू है, सबसे पहले तो मैं भगवान से यही कामना करता हूँ कि हम सबके घरों में सुख शांति भगवान पैदा करें, हमारे भाईचारे को सब प्रकार से जोड़ करके चलने की शक्ति भगवान में प्रदान करें, और सबके घरों में सुख शांति के साथ सब आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अपने चिड़ी गांव में अपना हक्सा मान के छोटा भाई हूं स्वागत करता हूं आप सब की तरफ से, और यही कामना करता हूं कि हम बढ़ चढ़ करके हमेशा एकजुटता के साथ छोटी मोटी आपस की जो बात उनको खत्म करके एकजुटता के साथ मिलजुल करके चलेंगे, ताकि जो वक्त गया वो दोबारा आ करके एक बार फिर हमारे खुशहाली आए, बच्चों को रोजगार मिले, सब तरह के काम धंधे आप अपने हाथों से कर सको, ये मेरी परमपिता परमात्मा से कामना है। कोई शब्द गलत निकला हो तो माफी चाहता हूँ। आप सबका बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दांगी साहब ने हर पहलू पर प्रकाश डालने का काम किया। देखिए कुछ हमारे सहयोग साथियों ने ट्रस्ट के लिए अपना सराहनीय योगदान दिया है। श्री रामकिशन जी, राम प्रसाद जी 11,000 रुपए का सहयोग ट्रस्ट के लिए दिया है। रामनारायण जी 11,000 रुपए का योगदान ट्रस्ट के लिए दिया है। डॉक्टर नरेश जी 1,100 रुपए का, सुभाष हमारे एसआई साहब 2,100 रुपए का सहयोग ट्रस्ट के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए भाई इलाके के लोगों, सम्मानित बुजुर्गों, इसमें कोई दो राय नहीं, हर बोल दिया था। रमेश लठवाड़ जी 2,100 रुपए का सहयोग ट्रस्ट के लिए दिया है, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। चिड़ी वासियों इसमें कोई दो राय नहीं, हर भर्ती में चाहे वो पुलिस की भर्ती थी, चाहे बिजली बोर्ड की थी, चाहे हमारी रोडवेज की, हर भर्ती में 15-20 बच्चे चिड़ी गांव के लगते थे। 36 बरादरी को पूरा मान सम्मान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने देने का काम किया है। एक बार जोरदार ताली बजाओ, इसी प्रकार सहयोग करते रहे तो आगे वाले भविष्य में जब इनके हरियाणा प्रदेश की कमान इनके हाथ में होगी, जो रोजगार की बात है, कोई भी बच्चा बिना रोजगार नहीं रहेगा, उस वादे को पूरा करेंगे। संकल्प लेकर के जाओ, दांगी साहब वाली बात से हुड्डा साहब का साथ दो, हाथ खड़े करके विश्वास दो हुड्डा साहब को, भाई पूरा सहयोग करेंगे। जोरदार ताली बजाएं साथी। अब मैं गांव की तरफ से निवेदन करूंगा, पूर्व बाद में हुड्डा साहब के बाद। अच्छा, अब आपके प्रिय नेता हरियाणा प्रदेश के पूर्व और भावी मुख्यमंत्री, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश का चहुंमुखी विकास किया है, हमारे इलाके की आन बान शान माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से निवेदन करेंगे, जो मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे बीच में पहुंचे हैं। जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करेंगे, और आधे पत्थर तो भाई लगाए भी नहीं है हुड्डा साहब ने, ये काम में विश्वास करते हैं, नरे काम करा के पत्थर भी लगे, आने वाले समय में सारे पत्थर लगाएंगे और रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आपके इलाके के लोगों को संबोधित करेंगे और नववर्ष की शुभकामना देंगे। जोरदार ताली बजा करके हरियाणा के शेर का स्वागत करें माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का। आज के इस नव वर्ष के उपलक्ष में और राम किशन जी की शहीद की मूर्ति अनावरण के अवसर पर उपस्थित हमारे साथी चौधरी आनंद सिंह दांगी जी, चौधरी संत कुमार जी, हमारे भाई अशोक दलाल जी, डॉक्टर कपूर सिंह जी, मैं आज के आयोजक विकास जी, कालू जी, मैं सम्मानित मंच उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, और ये जो गीत गा रहे हैं हमारे दांगी साहब और उनकी पूरी टीम, सबसे पहले तो मैं आपको नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं,
कि सबका जीवन सुखमय हो, आपस में प्यार से रहें और ये इलाका हमारा प्रदेश देश दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और जो रामकृष्ण जी शहीद का जो मूर्ति का अनावरण किया है, देखिए ऐसे वीर इलाके में कभी कभी पैदा होते हैं। आप सबको मालूम है किस प्रकार से जो बदमाश थे उनके मुठभेड़ में जो इनका साथी मर गया था, नियत्ता उनका मुकाबला किया और आखिर तक चौकी में खबर करी, पुलिस आई और उन्हें अपने प्राण त्याग किए। ये छोटी बात नहीं है, इस इलाके के बेबुदी के लिए, इस इलाके में बदमाशी ना हो, लूटपाट ना हो, उसके लिए उन्होंने अपने प्राण कुर्बान किए। तो भाई मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो भी उनका परिवार भी उनके दिखाए हुए रास्ते पर चले और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। जहाँ तक सवाल है आज का राजनीति का, भाई उस बारे में मैं ज़्यादा आज कुछ नहीं कहना चाहता। बहुत सारी बातें चौधरी संत कुमार ने कह दी, चौधरी आनंद सिंह दांगी जी ने कह दी और कोई कहे ना कहे, आप भी समझते हो कि आपके दिल में क्या है, मैं भी समझता हूँ, ये भी समझते हैं क्या था और क्या हो गया। अब क्लब की तरफ से इन्होंने कहा ये एक पुस्तकालय के लिए, लाइब्रेरी के लिए। अरे भाई जब पहला तो ऐसा था, कहता पहला ही हो जाया करता, अब यह सरकार बनाने वाली नहीं है, या तो सड़क तो हमने बनवाई या तो सरकार सड़क तोड़ने वाली है। भाई विकास नहीं है इस काम में, जो रोजगार में हमारा प्रदेश सबसे आगे था, प्रति व्यक्ति आए प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर एक था पूरे हरियाणा में, हिंदुस्तान में, आज बेरोजगारी में नंबर एक हो गया। आज अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहा है और विकास का नाम तो है नहीं भाई, कोई नहीं देख लो, कोई बनती दिखी हो पूरे हरियाणा में मान लो, तो इनसे उम्मीद नहीं। लेकिन ये तो आपने जो कहा इसका पूरा प्रयास करूंगा और सीधी सी बात है भाई, अब फिर टाइम आ गया, आप लोगों का आशीर्वाद रहा। खास तौर पे मैं चिड़ी गांव का कहता हूँ भाई, जितने भी मैंने चुनाव लड़े चिड़ी गांव का पूरा आशीर्वाद मेरे को मिला, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं उसके लिए आभारी हूँ। मेरे अपने गांव से भी फालतू आशीर्वाद मिला चिड़ी गांव से, हर हर उस चुनाव में। और जिस प्रकार से आप साथ रहे हैं, संघर्ष फिर हमने शुरू कर रखा है विपक्ष आपके समक्ष, ज्यादा लंबी बात मैं नहीं करना चाहता, मैं तो एक बात कह रखी है आपको, और उस वायदे में मैं अटल हूँ, तुम भी अटल रहोगे तो कोई अपने को रोक नहीं सकता। मैंने क्या कह रखा है आपको भाई, मेरी छुट्टी करो, मैंने तो बार बार रहने दो, नहीं तो डांगर हान जाएंगे। और यहाँ पर जिम्मेवारी थारी, ये बैठे हैं सारे साथी, और आपकी जिम्मेवारी है डॉक्टर कपूर सिंह से लेकर सारे साथी बैठे हुए यहाँ, तो जिम्मेवारी थारी। तुम एक काम कर लियो, मेरी कड़प वार मत होन दियो, छाती पे मैं नहीं होन दूंगा, और संघर्ष करेंगे और हम सब मिलकर कामयाब होंगे। मेरा तो यही है, आप सब समझदार हो, इससे ज्यादा मैं कहने के लिए कुछ नहीं है, बस आप सबको मेरी शुभकामनाएं हैं नववर्ष पे, बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं आप सबको। सब बस आपसे एक ही निवेदन है कि आपस के छोटे मोटे मतभेद हो वो बुला के एक होके और अपना मजबूत खो जाओ, एकता में ही मजबूती है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद उठा साहब, बैठे थे। अब हमारे बीच में सुंदर दलाल जी ने 11,000 रुपए का ट्रस्ट में जो योगदान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर संदीप दलाल जी ने 11,000 रुपए का सहयोग दिया है, लीला सरपंच ने 3,100 रुपए का योगदान दिया है। अब हमारे धर्मपाल काला चेयरमैन जी की तरफ से भी 51,000 रुपए की धनराशि ट्रस्ट के लिए दी, जोरदार तालियां बजाएं से महान वीर के लिए।
अब मैं गांव की तरफ से निवेदन करूंगा, स्वागत करेंगे हमारे सीएम साहब का, श्री अशोक दलाल जी से निवेदन करूंगा वो मुख्य अतिथि का स्वागत करें। गांव गुआंड की तरफ से जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व भावी मुख्यमंत्री का आज इस पावन अवसर पर यहां पधारने के लिए स्वागत करता हूं और आप सबको भी नए साल की बधाई देता हूं और शहीद रामकिशन की प्रतिमा का जो अनावरण किया उसके लिए मैं हुड्डा साहब का भी धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक दलाल जी, बहुत बहुत आभारी माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के, जिन्होंने कीमती समय निकाल करके हमारे मध्य शहीद हवलदार रामकिशन जी की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम में आप भाग लिया है, आप बधाई के पात्र हैं। लीला चेयरमैन कथूरा 3300 रुपए का योगदान ट्रस्ट के लिए देते हैं, चेयरमैन साहब के बहुत बहुत आभारी। हमारे बीच में श्री आनंद सिंह दांगी पूर्व मंत्री जी, श्री संत कुमार जी, अशोक दलाल जी, डॉक्टर कपूर सिंह जी,